बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4। हमने देखा था अरे और हमने नेक्स्ट का देखा था फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे। दो टॉपिक मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे इन प्रीवियस लेक्चर, अरे एंड फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे। टुडे वी आर डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट क्या करती है, डिम स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अगर अरे में आपके पास वेरिएबल्स 11 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास 11 अरे वेरिएबल में अगर आपके पास 11 से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिम स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको डिम स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल होती है। आपके पास अगर आपके पास अरे में आपने एलिमेंट स्टोर करने हैं 11 से अबव तो हम क्या यूज करेंगे, डिम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए 10। ए 10 का क्या मतलब है, ए क्या वेरिएबल, अरे वेरिएबल, 10 की उसका साइज, तो 0 उसका और बाय डिफॉल्ट उसका साइज है, तो 0 से 10 तक कितने डिजिट्स हो गए, 11। ये करे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 11 वैल्यूज क्या होगी, स्टोर हो जाएंगी। अगर मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पर साइज 12 तो कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 13, ठीक है। तो 13 वैल्यूज अगर आपकी 11 से अबव हो जाएगी तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, डिम स्टेटमेंट। कैसे यूज करते हैं वो आप देखें, सिंटैक्स क्या डिम स्टेटमेंट का, डिम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1 सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 2। डिम क्या है, डिम को हम कहते हैं डिमेंशन, साइज बताएगा डिमेंशन। ठीक है, डिम लिखते हैं स्टेटमेंट इज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, यानी कि आपके पास अरे वेरिएबल 1 और अरे वेरिएबल 2, इससे ज्यादा भी अगर आपके पास वेरिएबल अरे वेरिएबल होंगे तो आप उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर करेंगे। सबस्क्रिप्टेड
वेरिएबल। आप एक ही डिम स्टेटमेंट यूज करते हुए क्या करेंगे, एक से ज्यादा अरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही लाइन में। चार चीजें थे नोट कर लिया आपने डिम स्टेटमेंट में, वेरिएबल अरे वेरिएबल का नाम क्या है, साइज क्या है, वो जो आप उसके साइज बता रहे हैं वो मेडिक है या स्ट्रिंग है, और क्लास में आपने ये किया कि डिम स्टेटमेंट में आप एक ही लाइन में आप एक से ज्यादा अरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम दिख रही हूँ जिसमें क्या करना है, मैंने 20 एलिमेंट्स को स्टोर करना है। जहाँ पे भी बात आ जाएगी, जहाँ आपको कहा गया है कि आपने 20 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ये एलिमेंट जो हम स्टोर कर रहे हैं ये 11 से अबव है, तो आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, 3 लाइन नंबर डिम अरे वेरिएबल मैंने लिया है एंड, और उसमें मैंने साइज क्या बता दिया 19। कितने एलिमेंट्स को स्टोर करना था, 20, तो 0 से 19 तक कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 20। जब भी आप डिम्स यूज करेंगे तो आप ये बात जान लें कि इसमें भी हम यूज करेंगे किस लूप्स का यूज होता है, ठीक है। 4a इज इक्वल 0 to 19 input enter value n a next year आ जाता है 19, तो आप कर देंगे इसको 15।
ठीक है, ये लूप खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लूप पे आएगा। इसमें कितने हैं फोर, नेक्स्ट लूप क्यों तो रहे हैं दो। एम इज इक्वल जीरो टू 90, प्रिंट एन एम, एन एम एन की वैल्यू जब जीरो होगी पहली बार तो क्या वन वन प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा नेक्स्ट एन, जब दोबारा चलेगा एन की वैल्यू वन, एन वन आपके पास क्या था वन, एन वन जब आएगा तो एन क्या प्रिंट हो जाएगा फोर। इस तरीके से ये लूप कहाँ तक चलेगा 19 तक। ये थी डीन स्टेटमेंट। Now we explain the third topic, types of array. Array की कितनी types हैं? Types of array. अब आपके पास दो तरह के टाइप्स हैं, वन डिमेंशनल अरे
साइज ऑफ अरे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अरे है 5 4, जिसमें आपके पास क्या है, कॉलम का, रो का साइज और कॉलम का साइज। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास साइज ऑफ अरे क्या होगा, साइज ऑफ अरे निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास, साइज ऑफ अरे इज इक्वल रो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये था इसका फॉर्मूला। कितना साइज निकलेगा इसका, फीलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे, टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, टू डी अरे कैसे हम उसको क्या करते हैं, उसमें टू डी अरे में वैल्यू स्टोर करते हैं, हम उसको प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ 10 गेम स्टेटमेंट। चूंकि देखिए आप रोज और कॉलम का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट्स क्या आपके ग्रेटर देन होंगे 11 से, तो क्या करेंगे हम डू स्टेटमेंट को यूज करेंगे अरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मैं यहाँ 3 अरे वेरिएबल ले रही हूँ ए की साइज की, ठीक है 3 मैंने अरे ली है ए बी और सी, और साइज क्या उनका 2 सेम है, टू रोज टू कॉलम टू रोज टू कॉलम टू रोज टू कॉलम। प्रोग्राम लिखा है 2D अरे प्रोग्राम, ठीक है इसमें मैंने क्या किया, 3 फर्स्ट लाइन को देखें 3 मैंने क्या किया है अरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एक साइज की, फर्द ये देखिए
वन टू थ्री। प्रोग्राम के प्रिंटिंग देखें क्या है इसमें, आपने क्या किया फोर के अंदर फोर ने फोर लूप है, उसके अंदर फिर दोबारा फोर लूप है, तो इसे हम ये कहते हैं नेस्टेड लूप, जो कि चैप्टर नंबर एक बार हमें हमेशा याद रखनी है। टू डी डिमेंशनल में हमेशा नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लूप इस्तेमाल होता है टू डी डिमेंशनल में? नेस्टेड लूप। ठीक है, एक आपके पास ये लूप है और एक आपके पास ये लूप फोर। ठीक है, अब ये रनिंग देखें आप इसकी क्या रनिंग है इसकी। 20 पे देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या कर दिया, अरे को डिक्लेयर कर दिया। सेकंड फोर कहते हैं आर की वैल्यू वन है और वन टू टू है, एक वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके अंदर लूप के अंदर ही दोबारा क्या आ गया लूप, इसमें आर की वैल्यू क्या है वन, सी इज इक्वल वन टू टू, रीड ए वो ए केगा ए अरे है, आर क्या ऊपर से है वन, सी क्या है यहाँ से वन, ए वन वन। ठीक है, रीड जो ही रीड की स्टेटमेंट आएगी, तो रीड स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, जो ही रीड करती है वो स्टेटमेंट को, तो क्या करती है सबसे पहले ढूंढती है पूरे कोड में डाटा कहाँ है, ये डाटा 100 पे, सबसे पहले पोजिशन पे क्या आएगा एट, तो वो ए वन वन में क्या स्टोर कर देगा एट। ठीक है, उसके बाद फिर बी, बी के आर वन और सी के यहाँ पे वन, बी वन वन, फिर वो क्या करेगा डाटा को देखेगा, तो बी वन वन पे क्या है फोर, फोर आ जाएगा। ठीक है, फिर जेड 50 पे जाएगा, उसके बाद क्या वो कहते हैं जेड आर सी इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो, आर टू चार को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। ए वन वन में क्या वैल्यू आई है एट, बी वन वन में क्या आई है फोर, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 12। ये कोड हमारे पास क्या कर रहा है, दो हमने तीन अरे ही हैं, दो अरे को हम जमा करते हैं तीसरे में उसका क्या कर रहे हैं रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, प्रिंट, खाली प्रिंट लिखा हुआ है, खाली प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करती है नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देती है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट सी, फिर दोबारा सी का लूप चलेगा आर का लूप। ठीक है, अभी ये अपने अनुरूप के अंदर है, अब आर की वैल्यू तो वन है लेकिन सी की वैल्यू क्या है टू, आर ए आर की वैल्यू वन और सी की वैल्यू क्या है टू, तो ए वन टू पे डी स्टेटमेंट है, दोबारा डाटा लेगा थ्री। ठीक है, फिर बी आर आर की वैल्यू वन है सी की वैल्यू क्या है टू, डी स्टेटमेंट से वैल्यू लेगा फाइव। ठीक है, इधर वैल्यू आ जाएगी वन और टू थ्री और यहाँ आ जाएगी फाइव, थ्री और फाइव को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे एट, वो जेड ए और आर बी को जमा करेंगे रिजल्ट उसका, तो क्या आएगा रिजल्ट इसमें प्रिंट हो जाएगा, दोबारा प्रिंट लाइन नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा कर्सर। नेक्स्ट सी, सी दोबारा चलेगा, सी का लूप क्या हो गया खत्म। ठीक है, दोबारा फिर चलेगा आर का लूप, आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी टू, फिर अंदर आएगा दोबारा, अब यहाँ सी की वैल्यू वन और आर की वैल्यू क्या होगी टू, यानी कि ए होगा आपके पास टू और सी की वैल्यू होगी वन, दोबारा हो जाएगा आपके पास डाटा डिलीट करेगा। ठीक है, क्या लेगा वो सिक्स और बी आर, आर की वैल्यू बी टू और आर सी की वैल्यू वन, क्या लेगा वो फोर, छः और चार यहाँ से छः लेगा यहाँ से चार जमा करेगा तो कितना आ जाएगा दस। ठीक है, दोबारा प्रिंट नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट सी, सी का लूप दोबारा चलेगा, आर की वैल्यू क्या थी टू और सी की वैल्यू क्या थी टू, ए टू टू ए टू टू रीड स्टेटमेंट है, रीड स्टेटमेंट क्या लेगा फिर डेटा फाइव लेगा और बी टू टू फाइव, फाइव और फाइव टेन। ठीक है, जेड आर ए की वैल्यू फाइव बी की वैल्यू फाइव तो क्या आएगा टेन। ये एक प्रोग्राम है, क्या ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो हमने अरेज को जमा करके तीसरे में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट नेक्स्ट
का रूप खत्म हो चुके हैं, ठीक है। प्रिंट नेक्स्ट पे जब आएगा दोबारा तो क्या आर का रूप भी खत्म हो गया है, डेटा यूज कर लिए, एंड हो गया प्रोग्राम। ये था आपका टू डायमेंशनल अरे प्रोग्राम। टू डायमेंशनल अरे में बस भी मार्क इन योर माइंड कि जो आपके पास लूप इस्तेमाल होता है वो कौन सा लूप इस्तेमाल होता है, नेस्टेड लूप, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अरे मैनिपुलेशन। अरे मैनिपुलेशन, अरे मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? अरे जो आपके पास अरे प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई भी आप ऑपरेशन करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या है, अरे मैनिपुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, ऑपरेशन जो होंगे आपके पास कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं अरे के ऊपर, फीलिंग एंड प्रिंटिंग हमने देखा है, ठीक है। आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं उसको, सर्चिंग कर सकते हैं अरे के वैल्यूज को। सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर डाल, ठीक है, इंडेक्स नंबर, वेरिएबल नंबर तो सेम होता है लेकिन क्या चेंज होता है, इंडेक्स नंबर। सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है, वेरिएबल्स को, वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आके कर सकते हैं, वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं। ये तीन ऑपरेशन है जो आप किसी भी अरे प्रोग्राम के ऊपर से परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्लास आज का टॉपिक, आज का चैप्टर नंबर 4, अरे अरे क्या है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, अरे पढ़ी है, अरे क्या है, व्हाट इज अरे, फीलिंग एंड प्रिंटिंग अरे पढ़ी है हमने, डिम स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ अरे पढ़ी है, टू टाइप्स हैं अरे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, फीलिंग एंड प्रिंटिंग पढ़ी हमने टू डायमेंशनल की, एंड द लास्ट टॉपिक इज अरे मैनिपुलेशन।